सचिन हम लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे, शोएब अख्तर बोल डाल रहा था, तो राउंड द विकेट आके उसने बाउंस रे मारनी स्टार्ट की और शोएब अख्तर ने हर बॉल के बाद बोले हुक मार के दिखा, तो मैंने बोला वो तेरा बाप खड़ा है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, उसको बोल वो मार के दिखाएगा। नेक्स्ट ओवर में जब उसने तेंदुलकर को बाउंसर मारा तो उसने छक्का मारा, मैंने कहा बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। आप में से किसी को भी क्रिकेट मैच देखना पसंद हो या ना हो, लेकिन बारी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच के मैच का आता है तब सभी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मैच का हर एक पल हम सभी दर्शकों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना उसे खेल रहे खिलाड़ियों के लिए होता है, और इसी गर्मा गर्मी में कभी कभी खिलाड़ियों के बीच बड़ी से बड़ी बहसबाजियां भी हो जाती है जिसके चलते टीम के बाकी खिलाड़ियों को आकर उस बहस को सुलझाना पड़ता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच हो रही लड़ाइयों को देखकर हम दर्शक काफी जज्बाती हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं इंडिया पाकिस्तान के मैच के बीच में होने वाली कुछ ऐसे ही लड़ाइयों के बारे में जिन्हें देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों बन रहे वीडियो के अंत तक, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, शोएब वर्सेस सहवाग। दोस्तों शायद ही इस वाकये के बारे में ज्यादा लोगों को पता ना हो क्योंकि यहां किसी में भी कोई बड़ी बहस नहीं हुई थी, क्योंकि जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं ना इसी में खेल की असली जंग हुई थी। दोस्तों असल में हुआ था कुछ ऐसा कि सचिन और सहवाग जब क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे तभी सहवाग को शोएब अख्तर लगातार बाउंसर बॉल फेंक रहे थे ताकि वीरेंद्र सहवाग कोई ऐसा शॉट मार दे जिसके चलते वो आउट हो जाए। तब वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को अपने नजदीक बुलाकर उसे कहा कि सेम यही बॉल सचिन तेंदुलकर को फेंक के दिखा। तब वही हुआ जब शोएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर को एक बाउंसर बॉल खिलाई और सचिन तेंदुलकर ने एक जोरदार छक्का जड़ दिया, जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर से कहा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। बाय द वे दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, इंडिया से या पाकिस्तान से, नीचे कॉमेंट में बताइए ना। नंबर टू, राहुल द्रविड़ वर्सेस शोएब अख्तर। ये लड़ाई 2003 में राहुल द्रविड़ और शोएब अख्तर के बीच हुई थी जब दोनों ही प्लेयर एक दूसरे को आपस में गंदी गंदी गाली गलौज देने लगे जिसको सुनकर सबको शर्म आने लगी थी। तब इस लड़ाई को खत्म करवाने के लिए इंजमामुल हक और एम्पायर बीच में आए और दोनों ने मिलकर इस गर्मा गर्मी माहौल को ठंडा किया। नंबर थ्री, कामरान अकमल वर्सेस ईशांत शर्मा। दोस्तों ये वाकया 2012 में हुई T20 मैच का है। इस मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी कामरान अकमल जब ईशांत शर्मा द्वारा फेंकी गई नो बॉल से आउट होने से चूक गए तब उन्होंने ईशांत शर्मा का मजाक उड़ाया। फिर ईशांत ने अपनी अगली ही बॉल में कामरान अकमल को चकमा दे दिया जिसके बाद ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से भरी मैदान में ही भिड़ गए। दोस्तों युवराज सिंह और एम्पायर अगर ये दोनों खिलाड़ी को न हटाते तो क्रिकेट में ही एक बहुत ही बड़ी हादसा हो सकती थी। दोस्तों ऐसे आप इस लड़ाई में सबसे ज्यादा गलती किसकी मानते हैं, नीचे कमेंट में बताइए ना। नंबर फोर, गौतम गंभीर वर्सेस कामरान अकमल। दोस्तों अब हम बात करते हैं उस नजारे की जो नजारा हर क्रिकेट प्रेमी को अच्छे से याद होगा। दोस्तों ये बात तब की है जब इंडिया पाकिस्तान के मैच में गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे तब पाकिस्तानी विकेट कीपर कामरान अकमल बार बार आउट की अपील करके गौतम गंभीर को परेशान कर रहे थे। ये सिलसिला कई मरतबा चलने के बाद गौतम गंभीर ने कामरान अकमल से डायरेक्टली पूछ लिया कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, जिसके बाद ये दोनों ही खिलाड़ियों की बाज तेज होने लगी। तभी गौतम गंभीर के साथ खेल रहे कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी ने गौतम गंभीर को समझाया और इस मामले को शांत करवाया, वरना यह मामला क्या रूप ले लेती ये किसी को भी नहीं पता था। नंबर फाइव, किरण मोरे वर्सेस जावेद मियादाद। दोस्तों ये वाकया 1992 के वर्ल्ड कप का है जहां पर भारत के विकेट कीपर किरण मोरे पाकिस्तानी बैट्समैन जावेद मियादाद पर बार बार आउट की अपील कर रहे थे, जिस पर गुस्सा होकर भारत के तरफ से बॉलिंग कर रहे बॉलर को जावेद मियादाद ने रोक कर पीछे मुड़कर विकेट कीपिंग कर रहे किरण मोरे से कहने लगे कि क्या परेशानी है तुम्हारी, जिसके बाद दोनों का ही गुस्सा चरम सीमा पे था, जिसके बाद जावेद मियादाद ने अगले ही बॉल पर बाउंड्री जर दी और उछल उछल कर भारतीय कीपर किरण मोरे को चिढ़ाने लगे। दोस्तों जावेद का ये नजारा काफी वायरल भी हुआ था।
नंबर सिक्स उमर गुल वर्सेस युवराज सिंह। दोस्तों ये नजारा हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेल रहे एक वनडे मैच में देखने को मिला था, जिसमें उमर गुल और युवराज सिंह एक दूसरे से चैलेंज लगाते हैं। जब उमर गुल गेंद करते हैं तब युवराज सिंह सिक्स नहीं लगा पाते और गेंद बीट हो जाती है, जिसके बाद दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को गालियां भी देते हैं और धक्के भी देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी एक और नई एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।